चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि है 106 नहीं है बाबू, यहाँ पर है जो तुमको है 10 के पावर 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर आर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से तुमको सिर्फ पूछ रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप कि 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर 1 मीटर के इक्वल होगा या नहीं। ठीक है बाबू। चलो, तो 1 माइक्रोमीटर के बराबर कितना होता है वो हम पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है बाबू? 10 के पावर -6 मीटर के। तो हमको कितना दे दिया है? 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर ने दे दिया है। ठीक है, तो 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? तो यानी 10 के पावर 6, 10 के पावर +6, 10 के पावर -6, यानी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है तो 10 के पावर 0, तो 10 के पावर किसी के पावर 0 हो जाता है, क्या होता है? 1 आता है। तो यानी क्या है, यहाँ पर 10 के पावर 6 माइक्रोमीटर जो है 1 मीटर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो कथन जो है ऐसे भी हम कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स। आगे बढ़ सकते, अब हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें इसमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं किसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर नंबर कितना है? 0.00045726। तो यदि हम डेसिमल हटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 10 टू पावर क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, यदि हम एक स्टेप में और इसको लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 4, 5, 7, 2, 6 × 10 टू पावर क्या हो जाएगा यार? -8। अब हमें क्या करना है, इसको मैग्नीट्यूड ऑर्डर ऑफ में लिखना है। जानते हो कि एक नंबर के बाद हमको डेसिमल देना पड़ता है, तो एक नंबर के बाद यदि इसमें हम डेसिमल दें तो क्या लिख सकते हैं? सॉरी, हाँ, 4.5726 × 10 टू पावर -8। अब हम डेसिमल दिए हैं, डेसिमल के बाद कितना नंबर आ रहा है? 4 नंबर के पहले हम डेसिमल दिए हैं, तो यानी हमें यहाँ सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? 10 के पावर 4 लिखना पड़ेगा। तब इसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम क्या लिख सकते हैं? 4.5726 × 10 के पावर -4। घातांक करने तुम सब लोग को जानते होंगे क्या होता है, आधार सेम है तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो -8 और +4 क्या हो जाएगा? -4। आगे बढ़ते हैं अब हम बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गिवेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 19, द मास ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज। ठीक है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड दे दिया है, 19 दे दिया है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही हम क्या कहते हैं? गोल्ड को, यानी एक तरह से हम इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों टर्म क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड कितना दे दिया है? 19 दे दिया है। और मास कितना दे दिया है? 100 मीटर वॉल्यूम ऑफ, 100 मीटर पूछ रहा है, मास पूछ रहा है तुमसे कि मास ऑफ 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ गोल्ड का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तुम सब लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसका यदि हम डिटेल में जानेंगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में इसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला जान जाओ। रिलेटिव डेंसिटी जो होता है क्या कहता है कि जिस हम वस्तु का यानी जिस आइटम का हम क्या निकाल रहे हैं? डेंसिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमको गोल्ड का ना है तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड और बटा क्या हो जाएगा, किसके सापेक्ष में? तो वाटर के रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मूला दे दिया है तुमको कितना, फॉर्मूला का वैल्यू दे दिया है कितना? 19 ना, 19 दे दिया है। ठीक है, चलो, तो तुम सब लोग जानते हो बाबू की डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसका मान होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं तो इसको हम केजी में लिख सकते हैं, 1000 kg/m³। ठीक है, 2 यूनिट होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 kg/m³। अब हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो यहां से हम तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकाल ले सकते हैं। जैसे तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर हमको क्या पता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ना, अगर 19। तो यहां से हम लिखना चाहें तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड जो है हो जाएगा तुमको, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हो जाएगा कितना, 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब तुमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड निकालना है केजी में ना, वही मास कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर। तो हम डेंसिटी ऑफ गोल्ड तो ले आए, अब हम आगे ले आते हैं। तो अब यहां से हम ध्यान दे रहे हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, डेंसिटी का जो है फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ पर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहां पर दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहां पर। तो डेंसिटी कितना हम ले आए हैं, 19 ना, मास कितना है निकालना है, कुछ नहीं तो इसको हम एक्स मान लें। वॉल्यूम कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ना, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से x का जो वैल्यू हो गया तुमको कितना होगा, 19, तो किसमें आया, ग्राम में आया। आज इसको हम केजी में चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भागा ना दे देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0, 19/10 ना, यानी 1.9 kg। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है, इफ द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर जी इज, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर जी इज के बाद जो है ब्लैंक्स में यहाँ पर है आई स्क्वायर टी बटा डब्ल्यू, ठीक है। व्हेन वेयर आई इज करेंट, टी इज टाइम एंड डब्ल्यू इज वर्क डन, देन द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट इज, ठीक है। तो तुमसे फंडामेंटल यूनिट में, और फंडामेंटल यूनिट पूछ रहा है किसका, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस का, ठीक है। अब यहां पर जो है, जो तुमको दे दिया है क्या, जी का जो है फॉर्मूला दे दिया है, यानी यही जी हमको निकालना है, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो जी का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर टी बटा डब्ल्यू। तो आई से क्या होता है, एम्पियर में होता है, यानी करंट होता है, ठीक है। तो सॉरी, आई से करंट होता है, करंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो ये लैंग्वेज में लिख लो, तो हम एम्पियर के स्क्वायर लिख लेते हैं। टाइम है, टी से टाइम कर रहा है, तो टाइम को किस में हम मापने हैं, सेकंड में ना, तो सेकंड हो जाएगा। और डब्ल्यू को वर्क ना है, तो वर्क को किस में मापते हैं, जूल में, तो जूल। अब सवाल उठ रहा है कि हमको किस में सिर्फ रखना है, फंडामेंटल यूनिट में, तो एम्पियर तो फंडामेंटल यूनिट हो गया, सेकंड फंडामेंटल यूनिट हो गया, मगर जूल फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो हम जूल को फंडामेंटल यूनिट के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम सब लोग जानते होगे बाबू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर ही कर लो, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, ठीक है, और एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। तो एम से तो क्या हो जाएगा, मास हो जाता है, तो यानी केजी। एक्सलरेशन की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस से डिस्प्लेसमेंट ना, तो डब्ल्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जिसका भी हम यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगा, एक तो एम्पियर ना, तो एम्पियर के स्क्वायर गुना सेकेंड ना, और बटा जूल, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर ना, पर सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर सेकंड के क्यूब केजी मीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, क्या कर रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ ऑसिलेटिंग ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स ए एंड बी इज 2 सेकेंड, ठीक है, एंड 3 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द टू प्लैनेट्स इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ ग्रेविटी, रेशियो ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं बाबू कि टाइम पीरियड का जो है फॉर्मूला क्या होता है,
टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। तो टू पेंडुलम का दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। ध्यान से देखो, लेंथ हमको क्या दे दिया है? सेम दे दिया है। तो यदि हम टी वन स्क्वायर लें और एक को हम टी टू कर लेते हैं, टी टू बराबर भी वही सेम हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। मगर इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ तो दोनों का समान है ना, और जी दोनों का क्या करा, अलग अलग। इसको यदि हम जी वन कर लें, इसको हम जी टू कर लेते हैं। अब आगे हम फॉर्मूला पर इसको सेट करते हैं। तो यहाँ से तुमको जो है टी वन का वैल्यू कितना दे दिया था, टी वन का जो वैल्यू है दे दिया है 2 सेकंड दे दिया है फर्स्ट पार्ट के लिए, बराबर 2 पाई। तो हम 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी वन, और एक स्टेप करते हैं तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 बटा पाई बराबर रूट अंडर एल बटा जी वन। अब हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब पाई है तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या होगा, एल बटा जी वन, ठीक है। तो यदि यहां से हम जी वन बराबर लिखना चाहें तो क्या ले सकते हैं, एल गुना पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, जी वन बराबर एल गुना पाई स्क्वायर। अब हम इसमें चलते हैं बाबू सेकंड वाला टर्म में, तो टी टू यहां पर कितना दे दिया था, 3 सेकंड दे दिया है, बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी टू। तो इधर हो जाएगा ना, तो 3 बटा 2 पाई बराबर हो गया एल बटा जी टू। इसमें भी सेम हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर बराबर हो गया एल बटा जी टू। यदि हम जी टू बराबर लिखना चाहें तो 9 तो सबसे पहले आ जाएगा, 9 जी टू बराबर हो जाएगा एल गुना 4 पाई स्क्वायर। तो जी टू बराबर यहां से हो जाएगा एल गुना 4 पाई स्क्वायर बटा जी वन का तो वैल्यू देख लिया और जी टू का भी वैल्यू हमने देख लिया। अब हमें क्या निकालना था, जी वन बटा जी टू ना बाबू, तो जी वन बटा जी टू निकाल लो यहां से। तो जी वन क्या है, एल गुना पाई स्क्वायर, और जी टू क्या है, एल गुना 4 पाई स्क्वायर, और नीचे वाला 9 जो है ऊपर जाकर 9 हो जाएगा, एल से एल कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, 9 बटा 4 ना, यानी यहां से हम लिख सकते हैं इसको 9 रेशियो। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको कह रहा है, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम एंड इट्स टाइम पीरियड, देन द टू क्वांटिटी आर प्लॉटेड एज। इसका जो ग्राफ है वह कैसे बनता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो पेंडुलम के ग्राफ में जो हो जाता है बाबू, ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तुमको जो टाइम पीरियड रहता है वो कहां पर रहता है, वाई एक्सिस पर रहता है, ठीक है। यहां पर क्या रहता है, टाइम पीरियड, और एक्स एक्सिस पर जो है जो तुमको क्या रहता है, लेंथ रहता है, ठीक है। तो अब हम ध्यान देते हैं कि अब हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इसमें पूछ रहा था कि एल जो है एक्स एक्सिस पर है, तो एल जो है एक्स एक्सिस पर है ना बाबू, ठीक है, तो ए कथन तो सत्य माना जाएगा, ठीक है। तो यानी हम सिंपल लिख सकते, लिख देते हैं कि एल अलोंग एक्स एक्सिस एंड टी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। चलो, तो ए भी सही है, टू अलोंग वाई एक्सिस ने, तो ए और बी दोनों सही है, टी और बी दोनों सही हो गया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है तुमको टू कंस्ट्रक्ट ए सेकेंड पेंडुलम हैविंग ए लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ जी शुड बी।
सेकंड पेंडुलम कह रहे हो, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? तुम सब लोग जानते हो कि सेकंड पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड हो जाता है 2 सेकंड। ठीक है, अब इसका लेंथ तुमको दे दिया कितना, 100 सेंटीमीटर। जी पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू? टी बराबर हो जाता है 2π√L/g। तो टाइम पीरियड तो 2 ना है, तो 2 सेकंड बराबर 2π√L/g। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/π बराबर √L/g। तो इधर वाला रूट जो है इधर आकर के स्क्वायर हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/π² पेन चेंज कर लेते हैं कलरफुल थोड़ा सा, 1/π² बराबर क्या हो जाएगा, L/g। L कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसको तो सबसे पहले मीटर में चेंज कर देना पड़ेगा, तो 100 सेंटीमीटर को क्या कर दोगे, 1 मीटर ना, बराबर जी। तो जी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, π². ठीक है, जी बराबर क्या आ गया, π². तो π² यानी 3.14 ना, 3.14 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 का जो है स्क्वायर हो जाएगा तुमको लगभग लगभग 9। और यहाँ पर क्या हो रहा है, नौ पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 9.8 लगभग, 9.8, 9.8 या 9.9 लगभग होता है। ठीक है, चलो ये कैलकुलेशन करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द लेंथ ऑफ टू सिंपल पेंडुला आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द टू प्लेसेस वेयर दे आर सेट अप इज 3:2 द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो हमको क्या दे दिया है कि लेंथ दे दिया दोनों सिंपल पेंडुलम का, क्या दे दिया है, 2:3। और हमसे क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ द एक्सलरेशन, रेशियो ऑफ एक्सलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी दोनों प्लेस पर क्या है, 3:2 है। द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी कह रहा है, यानी सिंपल टाइम पीरियड हम निकालेंगे तो उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी निकाल ले सकते हैं। तो टाइम पीरियड का जो है जो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2π√L/g। ठीक है, चलो यहां से जो तुमको है रेशियो दे दिया क्या, L1/L2 का जो है रेशियो दे दिया है 2:3 और G1/G2 का जो है रेशियो दे दिया है 3:2 यानी 3:2। तो यहां पर हम T1 कर दें तो L1 हो जाएगा और G1 हो जाएगा, और यदि हम यहीं पर हम यदि हम T2 कर लेते हैं, T2 कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा और √L2/g2। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, T1/T2 डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, T1/T2 निकालते हैं। तो जैसे हम T1/T2 करेंगे तो T1 का वैल्यू क्या है, 2π√L1/g1 और ये क्या हो जाएगा, 2π√L2/g2 ना, तो 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहां से जो है तुमको यदि लिखना भी चाहो तो हम तुम लिख सकते हो T1/T2√L1/g1 ना, और बटा क्या हो जाएगा, L2/g2, बड़ा सा रूट हो गया, डाल देते हैं। तो यदि अब हम लिखना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, G2 सबसे जो है ऊपर चला जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, L1 × G2 और बटा क्या हो जाएगा, L2 × G1। ठीक है, और √L। ठीक है, तो यहां से जो है तुमको क्या आ गया, एक्चुअल में T1 तथा T2 का जो रेशियो है आ गया था L1 × G2
ठीक है, और बटा हो गया एल टू गुना जी, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं, ये दो और रेशियो तीन में ना है, और यह तीन रेशियो दो में, तो लगभग वैल्यू दो ही हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दो, L1 का वैल्यू दो ना है, और G1 का वैल्यू सॉरी G2 ना, G2 का वैल्यू भी दो, और क्या होगा तीन है, और इसका भी वैल्यू तीन, L2 का हो G1, तो यहां से आ जाएगा 4/9, और रूट में ना, और रूट में तो इसको रहने दोनों में, रूट से हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, रूट से यदि तुम बाहर निकालोगे इसको, चलो जैसे ही रूट से बाहर हो जाए, तो यहाँ से दो बाहर हो जाएगा, यहाँ से तीन बाहर हो जाएगा, यानी हमको आ गया क्या, T1/T2 का रेशियो आ गया 2:3। हमें क्या निकालना था, इन दोनों को फ्रीक्वेंसी ना, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिश्ता होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो है रिश्ता जो तुमको हो जाता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड जो बराबर हो जाता है क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो टाइम पीरियड जो होता है क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम सिंपल समझ समझ रहे हैं यहां से कि क्या हो जाएगा, कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, 1/टाइम पीरियड। तो T1/T2 है ना, यदि हम F1 यहां से निकालना चाहें, ठीक है, हम क्या निकालना चाहें, यदि हम F1 यहाँ पर कर लेते हैं, नजर आ जाना चाहिए, तो F1 बराबर तो क्या हो जाएगा, 1/T1 हो जाएगा, और F2 बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो जाएगा 1/T2 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम F1/F2 यदि निकालें, ठीक है, F1/F2 निकालने, तो क्या कर सकते, 1/T1 बराबर 1/T2, यानी जो T2 है जो ऊपर ना चल जाएगा, तो यानी T2/T1, T2 का वैल्यू 3 है, तो 3:2, इसका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाओ,